वो दोस्त की शक्ल लेकर आता है। वो भाई बेटा बन जाता है। वो आपकी गर्लफ्रेंड या बीवी हो सकता है। वो एक है लेकिन चेहरे अनेक। आपके बैंक बैलेंस पर है उसकी नजर। हूबहू आवाज, सेम टू सेम। पापा मैं फंस गया हूँ, अर्जेंट 1,00,000 रुपए चाहिए। पापा ये मेरे दोस्त का नंबर है, मेरा फोन बंद है, जल्दी करिए। अगर आपको भी ऐसी कोई कॉल आए तो सावधान। बहुरूपिया AI कर देगा कंगाल। डीप फेक वीडियो कॉल पूरी दुनिया में एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है, जिसमें साइबर ठगों के लिए IT एक्सपर्ट तक सभी शामिल है। इन ठगों में उनका शिकार बनते हैं कुछ भोले भाले लोग। कुछ ऐसा ही ठगी का मामला कानपुर में सामने आया, जब सब्जी कारोबारी को साइबर ठगों ने शिकार बनाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी साइंस का वो करिश्मा जिसने इंसानी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया, लेकिन यही AI अब अपराधियों का हथियार भी बन गया है। कभी केरल, कभी राजस्थान, तो कभी मुंबई दिल्ली। कानपुर में ठगी का एक ऐसा ही ताजा मामला सामने आया है, जब ठगों ने एक सब्जी कारोबारी को फोन कर सनसनीखेज कहानी रची। AI एप्स के जहां मेरिट हैं तो वहीं इसके डिमेरिट्स भी अब देखने को मिल रहे हैं। AI एप के माध्यम से ठगी का मामला सामने आया, जिसने पुलिस के अधिकारियों के होश फाकता कर दिए। ये पूरा मामला फजलगंज थाने का है, जहां पीड़ित ने अपनी एप्लीकेशन दी, जिसके बाद ये मामला दर्ज हुआ और साइबर सेल की टीम अब जांच कर रही है। अगर DCP सेंट्रल की माने तो उनकी भी एक टीम इस पर काम कर रही। यानी शातिर ठगों ने AI का इस्तेमाल कर पहले टारगेट के भतीजे की आवाज क्लोन की, फिर कारोबारी को फोन कर झूठी कहानी सुनाई। ठग ने कहा, तुम्हारा भतीजा रेप केस में फंस गया है, अगर बचाना चाहते हो तो तुरंत 1,00,000 रुपए का इंतजाम करो। दरोगा बने ठग ने कारोबारी की उसके भतीजे से बात भी कराई, लेकिन फोन पर आ रही आवाज AI जनरेटेड थी। इस बात से अनजान सब्जी कारोबारी ने ठग के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। फिर क्या था, ठगी का खेल आगे बढ़ने लगा। बोला एक पैसे इसी मजबूरी में फंस गए हैं, इन लोगों ने हमें गिरफ्तार कर लिया। बस तुरंत फोन चेंज होता है और वो उसने बताया कि मैं विजय कुमार इंस्पेक्टर SI बोल रहा हूँ, और आपका लड़का रेप में फंसा हुआ है। ये 5 लड़के हैं जिनमें ICC धारा के तहत इनको डालेंगे, लेकिन बातचीत में कुछ निर्दोष लग रहा है, इसलिए हम इसको छोड़ना चाहते हैं। तो बोले आपको फीस देनी पड़ेगी 1,20,000। हमने कहा भैया तो गरीब आदमी सब्जी बेचते हैं, कहाँ से देंगे। बोले वो आप किसी तरह एडजस्ट करो, इसके फोन में पैसे हैं। जब कारोबारी ने ठग की 1,00,000 की डिमांड पूरी कर दी तो दोबारा 1,00,000 की डिमांड की गई, लेकिन इसी बीच कारोबारी के साथियों ने पूरी बात पता की तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि मामला साइबर ठगी का है। लेकिन जब तक पता चलता, ठग पैसे लेकर गायब हो चुका था। फिर लड़के से बात हुई तो हमने कहा हम पापा को तुम्हारे लगा रहे हैं फोन, हमारे पास बेटा पैसे तो है नहीं। तो बहुत रो रहा था भयंकर, किसी तरीके बचा लो मोबाइल, मिलते ही हम ट्रांसफर कर देंगे, चाहे 1,00,000 के 1.5 लाख ले लेना, चाहे 2,00,000, लेकिन इज्जत की बात है हमारे घर न खबर करो। तब हमने सबसे व्यवस्था करके 40,000 रुपए की व्यवस्था की लगाई। जब 60,000 और लग गया तब तक ये फोटुएं आ जाती हैं। तो भतीजा बोला मैं गुजरात में हूँ इस समय,
और थोड़ी देर में करते हैं हमको, मेरे तो फांसी लगी हुई, हम तो मर के रह गए हैं, आप वीडियो कॉल पे तुरंत आओ। खैर 5 मिनट बाद उसकी वीडियो कॉल आ गई, सेम बातचीत हुई, हर आदमी वही सेम डिटो आवाज। हैरान परेशान कारोबारी ने गुरुग्राम में रहने वाले अपने भतीजे को फोन किया, पता चला कि वो तो ठीक है, उसे किसी ने नहीं पकड़ा। अब सवाल ये था कि फिर फोन पर भतीजे की आवाज कैसे सुनाई दी। इसे समझने के लिए डीप फेक तकनीक को समझना होगा। डीप फेक एक AI पावर्ड फेस स्वैपिंग तकनीक है, किसी व्यक्ति की जानकारी को गलत तरीके से एकत्रित करके इस प्रकार के स्कैम को वीडियो कॉल के माध्यम से अंजाम दिया जाता है। स्कैमर एक वीडियो कॉल के जरिए खुद को AI की मदद से किसी व्यक्ति के परिचित के रूप में पेश करता है और उसे ठगने की कोशिश करता है। AI जो है ना, एक सॉफ्टवेयर कोडिंग और एक मशीन का पूरा मिक्सचर है पूरा, ठीक है। इसमें आप किसी के मतलब हम एक मशीन को और एक कोडिंग को हम ट्रेन कर रहे हैं, हम उसे फीड कर रहे हैं, उसे डाटा पूरा फीड कर रहे हैं। जैसा उसे हम ट्रेन करेंगे वो वैसा बिहेव करेगी, लाइक एक रोबोट, ठीक है। रोबोट भी आजकल AI पे AI बेस्ड चल रहा है। आप अगर अपना फेस, अब जैसे एप्स आ रहे हैं, AI के एप्स आ रहे हैं, वो सब कोडिंग बेस्ड है। आप उन्हें इमेज डालोगे तो वो उसी उस इमेज को उठा के उसे वीडियो में कन्वर्ट कर, यानी AI की मदद से पहले आपका हमशक्ल तैयार किया जाता है, फिर उसी की आवाज को कॉपी किया जाता है और ये भरोसा दिलाया जाता है कि कॉल पर कोई अनजान नहीं बल्कि आपका अपना कोई अजीज है। ये प्रथम दृष्टया डीप फेक और AI का जो है प्रतीत होता है। इस संबंध में अपनी साइबर सेल के माध्यम से इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। यानी अब डिजिटल फ्रॉड करने वाले डीप फेक का इस्तेमाल कर लोगों की जेब काट रहे हैं, जिसके सैकड़ों मामले अब तक सामने आ चुके हैं। News18 अपने दर्शकों को आगाह करता है कि ऐसे किसी भी कॉलर को बिना वेरीफाई किए पैसे ट्रांसफर ना करें, नहीं तो आप भी ठगी का शिकार बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, News18। डीप फेक क्या होता है, कैसे आवाज और शक्ल की क्लोनिंग की जाती है, क्या किसी की भी क्लोनिंग संभव है? अगर हाँ तो इस तरह के फ्रॉड से कैसे आप बच सकते हैं, कैसे बचा जाए, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। डीप फेक वीडियो कॉल पूरी दुनिया में एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है, जिसमें साइबर ठगों से लेकर IT एक्सपर्ट तक सभी शामिल हैं और उनका शिकार बनते हैं कुछ भोले भाले लोग। AI मैसेंजर डीप फेक वीडियो कॉल के लिए डेवलपर एक AI मॉडल तैयार करता है, जिसे आमतौर पर जेनरेटिव एडवर्सिबल नेटवर्क्स यानी GANS कहा जाता है। GANS दो अलग अलग न्यूरल नेटवर्क के साथ मिलकर काम करता है। इनमें से पहला नेटवर्क जनरेटर कहलाता है, जो नकली वीडियो बनाता है, और दूसरा नेटवर्क डिस्क्रिमिनेटर कहलाता है, जो नकली वीडियो को पहचानने का काम करता है। एक तीसरा स्टेप वॉइस मॉड्यूलेशन का होता है, उसे भी AI की मदद से तैयार किया जाता है। ठगी करने से पहले ठग अपने टारगेट के तमाम फोटो और वीडियो इकट्ठा करते हैं और फिर इन्हीं वीडियो और फोटो के जरिए उस व्यक्ति को लाइव दिखाकर इसे और ज्यादा सच्चा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि लोग उस पर विश्वास कर सकें। पापा मैं फंस गया हूँ, अर्जेंट 1,00,000 रुपए चाहिए। पापा ये मेरे दोस्त का नंबर है, मेरा फोन बंद है, जल्दी करिए। जब वीडियो बनकर तैयार हो जाता है तो इसका इस्तेमाल करके उस व्यक्ति के परिचितों को कॉल किया जाता है और उनसे पैसों की मांग की जाती है। ये वीडियो इतने वास्तविक दिखते हैं कि लोग इन्हें देखकर भ्रम में आ जाते हैं और इन पर विश्वास कर बैठते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर साइबर ठग इतने शातिर हैं कि वो आपके अपनों की शक्ल ले सकते हैं, तो आखिर इन ठगों से कैसे बचा जाए, कैसे AI के जमाने में अपना बैंक बैलेंस बचा कर रखा जाए? बचाव के रास्ते भी साइबर एक्सपर्ट से ही समझ लेते हैं। की तारीख में बहुत तेजी से हम लोगों के जनजीवन पर असर कर रहा है। सिर्फ अपनी एक स्क्रिप्ट लिखिए, आपका एक वीडियो तैयार हो जाता है। आप सिर्फ कुछ अक्षर लिखिए, आपकी एक तस्वीर तैयार हो जाती है। बट इसी के साथ साथ जो आपराधिक तत्व हैं वो भी इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली देखने में आया है कि तस्वीरों को मॉर्फ करना, AI की मदद से गलत तस्वीरें बनाना, यहाँ तक कि गलत वीडियोस बनाना,
मेरी आवाज और मेरी शक्ल से वीडियो बना के मेरे ही घर वालों को भेजना और उससे पैसे की डिमांड करना, इस तरह के कई घटनाएं सामने आ रही हैं। बचने के लिए देखिए, आज की तारीख में अगर कोई भी एक न्यूज़ आपके सामने आती है तो उसको ये डिटेक्ट करना कि वो सही है या गलत है बहुत जरूरी है। बिना सोचे समझे कुछ भी ना करें। डीप फेक के जरिए ठगी के मामलों में एक बात कॉमन होती है, वो ये कि चेहरे भले ही जाने पहचाने हो लेकिन जिस नंबर से कॉल आता है वो अनजान होता है। लिहाजा अपने परिचित को कॉल बैक कर कंफर्म किए बिना किसी को भी पैसे ना दें। साथ ही वीडियो कॉल करने वाले के हाव भाव पर नजर रखें। डीप फेक मॉडल के चेहरे पर एक्सप्रेशन ठीक से नहीं होंगे। यूं तो साइबर ठग हर तरह से कोशिश करते हैं कि आप उनके जाल में फंस जाएं, लेकिन कोशिश करें किसी अनजान नंबर से वीडियो कॉल आ रहा है तो उसे बिल्कुल ना उठाएं। अगर किसी परिचित व्यक्ति के नंबर से एकदम से वीडियो कॉल आ रहा है तो उसे काट दें। अगर वीडियो कॉल पर कोई परिचित आपसे पैसे की मांग करता है तो उस पर विश्वास ना करके सीधा वॉइस कॉल पर बात करें। AI के जमाने में सावधानी ही सुरक्षित रहने का एकमात्र तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं ब्रेक के बाद भी।